जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के घंटाघर में। आप मेरे पीछे देख रहे थे, घंटाघर है फैसलाबाद का। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फैसलाबाद की सबसे बेस्ट लस्सी है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब जी। अच्छा इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी पुरानी शॉप है। ये तकरीबन ये पार्टीशन से पहले की है। मतलब 12-10 साल 5-7 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ जी नहीं, ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टीशन में जब ये थी दुकान ये वाली। ठीक है, मेरे वाले साहब इधर थे। मुझे ये बताइए आपकी लस्सी में क्या खास बात है जो डेली ग्राहक इधर ही आता लस्सी पीने पूरे फैसलाबाद से। खास बात कोई नहीं है, बस अगर चीज अच्छी है किसी, आपने पी है अभी? मैं सारी उम्र होगी। तो कैसी लगी टेस्ट में ये? मैं तो उसके अलावा आपके पास और क्या क्या है? ये देसी घी है। ये मैं सबको बताना चाहूंगा, बंगाली लस्सी वालों के पास स्पेशल देसी घी भी है और ये दूध दूध भी पी। हाँ जी, ये गर्म दूध है ना। ओके, उसके साथ गर्म दूध भी होता है। अच्छा मुझे ये बताइए लस्सी का रेट क्या है आपका? ये 110 आजकल, 110 रुपए। अच्छा 110 रुपए की लस्सी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं। महमूद अल हसन सर। महमूद अल हसन सर। महमूद अल हसन जी जी। महमूद अल हसन सर, कितनी देर हो गई आपको उनसे लस्सी पीते हुए? तकरीबन सर 10 साल हो गए। 10 साल। अभी जरा ये घूंट लगाए और मुझे बताएं कि टेस्ट कैसा लगा आपको? इसका टेस्ट वैसे ही है, लेकिन पहले ये गाढ़ी होती थी। पहले गाढ़ी थी लस्सी? पहले गाढ़ी होती थी, अब हल्की थोड़ा पतली कर दिया इन्होंने ना। जो सच्ची बात है हम कर रहे हैं पहले। अच्छा जी, मैं आपको सच दिखा रहा हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स कह रहे हैं ये लस्सी बहुत ही मजे की, और मैं भी ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये लस्सी फैसलाबाद की सबसे बेस्ट लस्सी है। लेकिन मौलाना साहब का कहना है कि पहले 5 साल पहले और आपकी लस्सी में थोड़ा सा फर्क जरूर आया है। आपकी लस्सी में थोड़ा सा काम थोड़ा पतला हो गया, पहले बहुत ज्यादा गाढ़ा काम था। हम तकरीबन सफर करके आए 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर लस्सी पीने आए हैं आप विड रांझा से? वो सामान तो दुकान का लेना ही होता है, लेकिन लस्सी पीने बगैर नहीं जाते हैं। आप लेने के आए थे यहाँ पे? ये मेडिसिन लेने आते हैं यहाँ से। आप मेडिकल स्टोर है आपका? जी मेडिकल स्टोर है। आप तो माशाल्लाह जी बड़े बाशऊर आदमी है। कहने का मतलब है कि फैसलाबाद के पढ़े लिखे लोग और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा तबका है, हर कोई यहाँ से लस्सी पीने आता है। जी बिल्कुल, बहुत मशहूर है। और वैसे भी जब भी जाना होता है ये भूलते नहीं है, हम थोड़ा रेस्ट करना हो फिर यहाँ इधर आ जाते हैं, हम लस्सी पी के फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम निपटाते हैं। अब आधा काम हमने कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आपका नाम? कदीर खान। सॉरी, अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान साहब, आप किधर के हैं? इधर पेशावर के। पेशावर से आए हैं लस्सी पीने आप? हाँ जी। नहीं नहीं, वैसे रहायश किधर है? इधर रहायश इधर है, फैसलाबाद के रहायशी हैं आप? ठीक है ठीक है। ये लस्सी पीते हुए कितनी देर हो गई आपको? ये तो हमारा 20 साल हो गया। 20 साल से लस्सी पी रहे हैं आप इनकी? हाँ जी। ये फैसलाबाद की सबसे बेस्ट लस्सी है, सबसे नंबर वन ही है। अच्छा मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, आप कोई मैसेज दे दें मुझे पश्तो में लस्सी के बारे में। लस्सी के बारे में बस क्या मैसेज होगा? पूरे पाकिस्तान में वीडियो देखी जाती है ना ये अब मैसेज दे दें पश्तो में। पूरा फैसलाबाद में एक ये मशहूर है बंगाली लस्सी, एक आमिर खान ड्राई फ्रूट मशहूर है, ये दो बड़े मशहूर है। आप लस्सी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे पश्तो जुबान में? पश्तो में, पश्तो में लस्सी को तरवे बोलता है। टाइम में देख के जरा बता दें पश्तो में। पश्तो में लस्सी को तरवे बोलता है, तरवे, और फारसी में दो बोलता है, दो बाजार। जो भी बोलना है लस्सी के बारे में, ये लस्सी बहुत अच्छी है फैसलाबाद की पश्तो में। दा वो मंगे चक्कला खंदार दरा सुन बे खंदार की देता छुड़ंबाई वाई गदवा इसे वो बकड़ी है वाई सदा गीदा छुड़ंबाई जित बे छुड़ंबाई वाई दानो चार सफरे बे छुड़ंबाई पर लाजिमी उस रही तब खंदार की दी बिखड़ेर मशहूर है रहा, ये खंदार में ज्यादा मशहूर है। सर थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आमीन। हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ आपके कारोबार में, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
आप फैसलाबाद के हैं? जी हम फैसलाबाद की। नाम क्या आपका? मेरा नाम अली हसन। अली हसन भाई मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं? मैं यार मंसूराबाद से आया हूँ। इनकी जो लस्सी है ना ये कह लें कि पूरे फैसलाबाद में तो मशहूर है ही, लेकिन आउट ऑफ सिटी भी इनका बड़ा नाम है। ठीक है, ये माशाल्लाह 1947 से इधर बैठे हुए हैं और हम स्पेशल इनकी लस्सी पीने आते हैं इधर। और मुझे बताइएगा कि पीक में एक टाइम या दो टाइम आप लस्सी पीते हैं इनसे? नहीं, हमारा अगर चक्कर लग जाए ना काफी घंटा का, हाँ, तो हम इंशाल्लाह इधर जरूर आते हैं। ठीक है, इनकी लस्सी में क्या खास क्या बात है जो आप बहुत ये चीज पसंद आती है? इनका जो टेस्ट है ना एक लस्सी का, मतलब अब घर पे बनाए तो वो चीज नहीं बनती, कहीं से और से भी पिए, लेकिन जो होता है ना प्रॉपर लस्सी यार मजा आ जाए पी के। आप ये कह सकते हैं फैसलाबाद की सबसे जो मजे की लस्सी है वो लस्सी वो बंगाली लस्सी वालों की। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।